राम राम, मैं आशीष शर्मा और आज आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल मोटर पंडित में। तो जैसा कि आप मेरे बैक साइड में देख रहे होंगे, ब्रेजा गाड़ी है। तो आज हम इसका ओनर रिव्यू नहीं करने वाले हैं, नॉर्मल रिव्यू करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर ओनरशिप रिव्यू काफ़ी आते हैं, तो आप देखें कन्फ्यूज़ ना हो, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ। तो चलिए जल्दी से इसका रिव्यू शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ इसके अंदर आते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये ZXi प्लस टॉप वेरियंट है, ड्यूल टोन के साथ में, रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ में, और इसके अंदर सनरूफ वगैरह सभी चीज़ें आती हैं। तो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। तो ये है ब्रेजा का फ्रंट व्यू। इसके अंदर आप देखेंगे सबसे पहले इसका जो टर्निंग पॉइंट बन रहा है ना इस गाड़ी का, और जो इस पर सबसे पहले नज़र आ रही है, तो वो है इसके हेडलैम्प्स। आप देखेंगे यहाँ पर LED प्रोजेक्टर ड्यूल चैम्बर लाइट आती हैं, जिसके अंदर आपको DRL देखने मिल जाएंगे। DRL भी आपको दो पार्ट्स के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा नीचे की तरफ आप देखेंगे आप फोग लैम्प आते हैं इसमें, ठीक है, इस जगह पर LED फोग लैम्प इसके अंदर आते हैं। और जो ये लाइट है ये वाइट के अंदर रहने वाली है, कोई हलोजन वगैरह कुछ नहीं है इसमें, जो कि येलो लाइट जो आती है। इसके अलावा आप सेंटर में देखेंगे तो ग्रिल, यहाँ पर ग्रिल देखेंगे टोटली चेंज कर दी गई है पुराने वाली ब्रेजा से, इस टाइम पर आपको नई ग्रिल देखने को मिलेगी। सेंटर में सुजुकी का लोगो, नीचे नंबर प्लेट वगैरह, और इस जगह पर स्किड प्लेट आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर ही एक चीज़ और देखने को मिलती है, जिसे कहते हैं 360 डिग्री कैमरा, ये रहा, ठीक है। तो इस गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा भी आता है, जो कि प्रोजेक्शन रहता है फ्रंट में, बैक में और साइड में, ठीक है। तो अब इसी के साथ साथ मैं इसकी साइड प्रोफाइल में आ जाता हूँ, और यहाँ पर दिखाने के लिए एज सच कुछ नहीं है आगे की तरफ, और आपको ओवरऑल लुक मेरे हिसाब से काफ़ी पसंद आ रहा होगा। मुझे तो, मैं अब पर्सनली बताऊँ तो जो पुराने वाली ब्रेजा है ना, उससे मच बेटर लग रहा है ये वाला लुक, क्योंकि उसका जो लुक था ना, वो इनका पुराना लुक कैरी करते आ रहे थे, बट इस टाइम पर कुछ चेंज करा इन्होंने। और आप देखेंगे जो डिज़ाइन लाइनिंग भी है वो भी चेंज कर दी गई है, फुल्ली चेंज है ये वाली ब्रेजा पहले वाली ब्रेजा से। और ये है इसका साइड प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल में आप आएंगे तो सबसे पहले आपकी नज़र पड़ेगी इसके अलॉयस पर, ठीक है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लुक यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। और 16 इंचेस के अलॉय रहने वाले हैं, ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय हैं ये, और क्लाइडिंग आपको देखने को मिल जाएगी फ्रंट बम्पर से रियर बम्पर तक। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे ORVM, जो कि पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, और इसी पर आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा इंटीग्रेटेड, और जिसका 360 डिग्री कैमरे की मैं बात कर रहा था वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा साइड में, ठीक है। एक चीज़ और जो अच्छी है कि जो मारुति शुरू से दे रहा है, वो है रिक्वेस्ट सेंसर। जो लास्ट वाली ब्रेजा थी उसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाता था VXi वेरिएंट से ही यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर, और इस वाली ब्रेजा के अंदर भी है, और मे बी इसके दूसरे डोर पर भी होगा, क्योंकि रिक्वेस्ट सेंसर ये दोनों डोर पर देते हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा की ओपनिंग भी यहाँ पर दे रखी है, अगर इनकेस अगर ये काम नहीं करता है आपका रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह, तो आप इसी गाड़ी को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो साइड प्रोफाइल आप ओवरऑल देखेंगे तो काफ़ी अच्छी लुक यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल देखने को मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी सॉलिड है, और यहाँ पर यूजेबल रूफ रेल आपको देखने को मिल जाती है। और अब हम आ गए हैं इसकी रियर प्रोफाइल में। तो गाइज, अब जो मैं वीडियोज़ वगैरह देख रहा हूँ या फिर ऑनलाइन कई बार देखता हूँ ना, तो लोग कहते हैं ये रेंज रोवर की लुक लगती है इसकी कुछ कुछ, तो अगर आपको लगती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वैसे मैं एक बता दूँ, ये प्योर मारुति की लुक है, ठीक है, जिसके अंदर मारुति ने कुछ भी अपना बाहर से नहीं लिया है। और यहाँ पर देखेंगे ये LED के अंदर आपको टेल लैंप्स देखने को मिल जाएंगी। देखेंगे अब यहाँ पर लुक काफ़ी अच्छी आ रही है इसकी फिनिश जो है, ठीक है, लाइट की, इस टाइम पर लाइट्स ऑन है, ठीक है। सेंटर में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रेजा का लोगो देखने को मिल जाएगा, ऊपर सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर वॉशर वाइपर आपको इस जगह पर देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलता है हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, जो कि इंटीग्रेटेड है स्पॉइलर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर वॉशर भी आपको देखने को मिल जाएगा रियर मिरर के लिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 360 डिग्री कैमरा अगेन आपको रियर बैक साइड में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा रिक्वेस्ट सेंसर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, 4 रिक्वेस्ट सेंसर आते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। किसी किसी गाड़ी में आजकल के टाइम पे 2 ही रिक्वेस्ट सेंसर आ रहे हैं। स्किड प्लेट की भी लुक आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी, और इस जगह पर आपको देखने को मिलेगा एग्जॉस्ट पाइप, ठीक है। यार मेरे को ना जो सबसे अच्छी चीज़ लग रही है ना वहाँ पे, इसकी टेल लैंप ऑल ओवर गाड़ी के अंदर मैं बात करूँ तो, ठीक है। और यहाँ पर आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैचिंग देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल भी है जैसा कि मारुति कहती है, ठीक है। तो ये आपकी फ्यूल इफिशेंसी को इनक्रीज करता है स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल। तो गाइज ये है इसका बूट स्पेस। बूट स्पेस देखेंगे तो आप काफ़ी मैसिव बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, पुराने वाली ब्रेजा के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट ओके है बूट स्पेस। इसके अलावा नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको
टायर मिल जाएगा जो कि स्पेयर व्हील है, यहाँ पर टूल किट वगैरह देखने को मिल जाएगी, ठीक है। स्पेयर व्हील आपका रिम के उसमें आता है। एक चीज़ और जो यहाँ पर काफ़ी बेटर है, जो मारुति शुरू से ध्यान देती है यूटिलिटी के हिसाब से, इस जगह पर आप देखेंगे ना तो 60-40 आपको स्प्लिट देखने को मिल जाएगा। मोस्टली कार्स में ये नहीं रहता है, ऊपर की तरफ पार्सल ट्रे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। किसी तरह की लाइट ये रही, और यहाँ पर आपको हुक भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ अब हम चलेंगे इसके इंटीरियर में, ठीक है, और दिखाते हैं इंटीरियर में क्या क्या खास है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि मारुति जानी जाती है कि उसकी बिल्ड क्वालिटी में थोड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ कहते हैं, या गाड़ी में वेट कम है। इस वाली गाड़ी के अंदर मैंने अभी इसका क्या कहते हैं रियर डोर ओपन करके देखा है, तो जो वेट है ना वो काफ़ी अच्छा खासा है। इसके अंदर जो इसकी बॉडी है वो भी आप देखेंगे काफ़ी सॉलिड है पहले वाले के हिसाब से। इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। गेट का थर्ड आपको एक बार सुना देता हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा थर्ड मेरे हिसाब से यहाँ पर आ रहा है इसका। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी रियर सीट्स। तो गाइज़ ये है रियर सीट्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 3 पैसेंजर्स के हिसाब से बनी है इसकी रियर सीट, और मैं देखने पे लग भी रहा है कि इसके अंदर 3 पैसेंजर आराम से आ जाएंगे। सेंटर में आपको रियर आर्मरेस्ट देखने को मिल जाएगी, इसके अंदर 2 कप होल्डर आपको देखने को मिल जाएंगे, और जो रियर हेडरेस्ट आते हैं वो रिमूवल वाले आते हैं, आप इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से कि किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। और ये है इसकी रियर डोर ट्रिम, यहाँ पर आप देखेंगे रियर डोर ट्रिम, तो इस जगह आपको फैब्रिक फिनिश देखने को मिल जाएगा ब्राउन से कलर में, और ऊपर की तरफ ग्रे फिनिश आपको देखने मिलेगी। इसी के अंदर आपको एम्बियंट लाइटिंग देखने को मिल जाती है। अभी एक बार अंदर जाएंगे ना तो मैं दिखाऊंगा, ये टॉप वेरिएंट है इसका, तो इसके अंदर एम्बियंट लाइटिंग भी आती है। यहाँ पर कप होल्डर आपको देखने को मिल जाते हैं, और इसके अंदर इस जगह पर स्पीकर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और इधर आपको डोर ओपनर देखने को मिल जाएगा विद क्रोम फिनिश, ठीक है। तो चलिए एक बार अंदर बैठ के दिखा देता हूँ किस तरह की लुक आ रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेंटर में देखेंगे तो रियर पैसेंजर फैसिलिटीज़ के अंदर आपको रियर एसी वेंट्स देखने को मिल जाएंगी। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो 2 आपको चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाएंगे इस जगह पर। अच्छा, एक चीज़ बहुत अच्छी है, एक चार्जिंग पॉइंट जो है वो सी टाइप है, और एक जो है वो यूएसबी है। आजकल मोस्टली सी टाइप दे देते हैं, और मोस्टली पब्लिक के पास आईफोन भी नहीं है, ठीक है, तो ये काफ़ी गलत है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रैब हैंडल आपको देखने को मिल जाएगा। यार एक चीज़ मेरे को काफ़ी गलत लग रही है, देखो बता देना चाहिए जो चीज़ है। आप देखेंगे जो रीडिंग लैंप है ना बैक साइड वालों पैसेंजर के लिए, तो वो पीछे की तरफ दे रखी है, इस जगह प्लेस है, तो ये मे बी इस जगह पर होनी चाहिए थी, या फिर ये इस जगह पर इसलिए नहीं है कि सनरूफ दे रखी है यहाँ पर, इसलिए इस वजह से हो सकता है। हाँ, एक चीज़ और देखी गया तो आपको बता देता हूँ, इसमें सनरूफ भी आती है। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग भी आते हैं। तो जब हम पीछे की तरफ आए गए हैं तो आपको सनरूफ भी दिखा देते हैं, जब इसकी बात चल रही है तो इसके अंदर सनरूफ भी आपको देखने को मिल जाएगी। स्पेस ठीक ठाक सनरूफ के अंदर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा ये है इसका डैशबोर्ड, पीछे की तरफ से आप देखेंगे तो जो लुक है वो काफ़ी अच्छी है। सेंटर में आपको एक पॉपअप डिस्प्ले देखने को मिल रही है जो कि टच स्क्रीन आती है, जिसके अंदर एप्पल एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले सब कुछ आता है, आपको देखने को मिल जाएगा। ऑटो एसी वगैरह सब चीज़ आपको दिख रही होंगी। और ओवरऑल मैं बताऊँ ना, सिटिंग काफ़ी कंफर्टेबल है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इस जगह से आप देखेंगे ना तो जो मेरा थाई सपोर्ट वगैरह है ना वो काफ़ी सही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसके अलावा मैं कहूँ इसके अंदर 3 बंदे काफ़ी आराम से आने वाले हैं, और जो लेग स्पेस है किसी भी तरह की लेग स्पेस की कमी नहीं है। आगे वाली सीट ड्राइविंग कम्फर्ट के हिसाब से एडजस्टेबल है। तो इसी के साथ हम चलेंगे इसकी फ्रंट सीट्स पर, वो दिखाते हैं फ्रंट सीट्स पर क्या क्या आता है। तो गाइज़ मैंने अंदर जाने से पहले एक चीज़ नहीं दिखाई थी आपको, वो दिखा देता हूँ। ये है इसकी की, कुछ इस तरह की इसकी की आती है, देखेंगे। इधर ब्लू कलर की लुक इसमें ऐड की गई है, इधर सुजुकी का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा बैक में, और फ्रंट में आपको लॉक अनलॉक की स्विच देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर बस यही आता है। इसके अलावा यहाँ से आप मैनुअल की भी निकाल सकते हैं, इसको प्रेस करने के बाद यहाँ से मैनुअल की बाहर की तरफ आ जाएगी, जिससे आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये है इसका फ्रंट डोर ट्रिम, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ट्विटर देखने को मिल रहा होगा ऊपर की तरफ इस जगह पर, ठीक है, कि इसके अंदर ट्विटर भी आता है, 4 स्पीकर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस जगह पर आपको 4 पावर विंडो कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। सेम पीछे की तरफ फैब्रिक फिनिश यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये कुछ ग्रे लाइनिंग ऐड की गई है। इसी के नीचे एम्बियंट लाइटिंग आपको देखने को मिलेगी, नाइट में काफ़ी अच्छी दिखती है। इसके अलावा यहाँ डोर ओपनर आपको क्रोम फिनिश के अंदर देखने को मिल जाएगा। कप होल्डर इस जगह पर आता है जैसा कि आप देख रहे होंगे, और यहाँ पर आपको स्पीकर्स देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अब मैं आता हूँ इसकी
इंटीरियर में आप जो सीट्स देखेंगे वो 8-way मैनुअली एडजस्टेबल है, जिसके अंदर हाइट एडजस्टेबल आपका आगे पीछे करना, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल नहीं आती है इसके टॉप वेरियंट के अंदर भी। और इस जगह पर आएंगे काफ़ी सारे बटन्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं, तो एक HUD का बटन है हेड अप डिस्प्ले का, ठीक है, जो कि इस जगह पर प्लेस की गई है, यहाँ पर हेड अप डिस्प्ले आती है इसकी। तो गाइज इस जगह पर आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल देखने को मिल रहे होंगे, तो मैं ये कंट्रोल्स बता देता हूँ किस किस चीज़ के, लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पर ये वाला कंट्रोल जो है ये आइडल स्टार्ट स्टॉप का है, ठीक है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल का है, ठीक है। और इधर आप देखेंगे व्यू तो ये आ रहा है 360 डिग्री कैमरा के लिए, ये हेड अप डिस्प्ले का आपको कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ये हेड अप डिस्प्ले की लाइट को कंट्रोल करने के लिए है, और ये हेड अप डिस्प्ले को अप डाउन करने के लिए, अपने हिसाब से एडजस्ट करने के लिए। और इस जगह देखेंगे आप लाइट लेवलर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर पुश बटन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि गाड़ी पुश बटन स्टार्ट है। और ये मैनुअल देखें ABC पैडल, ठीक है, इधर आपको बोनट ओपनर फ्यूल ओपनर वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब एक बार इंटीरियर में चलते हैं और बैठ के दिखाता हूँ क्या क्या आता है इसके फ्रंट सीट्स पर। तो गाइज अब हम आ गए हैं ब्रेजा के इंटीरियर में। इंटीरियर का डैशबोर्ड आप देखेंगे तो काफ़ी लुक एंड फिनिश देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको ब्राउन फिनिश देखने को मिल जाती है जो ऑल ओवर बॉडी कंटिन्यू की जा रही है इस तरफ तक, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रे कलर का एक मेटालिक फिनिश देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका डोर्स पर भी है। और इसके अलावा इसके अंदर वो एम्बिएंट लाइटिंग भी आपको देखने को मिलेगी। सेंटर में आप आ जाते हैं तो मिडल कंसोल जो है उसकी बात कर लेते हैं एक बार। तो सेंटर में आपको 90 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, नेविगेशन और वायरलेस कनेक्ट, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले का आता है, वो सब इसके अंदर आता है आपके पास। इसके अलावा, ठीक है, यहाँ पर इसके कंट्रोल्स दिए गए हैं, वॉल्यूम के कंट्रोल इस जगह पर दिए गए हैं, यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं, ये माउथ कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ से आप म्यूज़िक लाइब्रेरी वगैरह पे जा सकते हैं। ऑल ओवर जो डिस्प्ले है ना उसके कंट्रोल काफ़ी अच्छे हैं, एक बार मैं चेक करके बता देता हूँ। इस जगह कनेक्ट आ रहा है ORV आ रहा है, DRM, ठीक है। और इस तरफ आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, ये इसकी होम डिस्प्ले है, ठीक है। और जो इसका टच है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। इसके अलावा यहाँ पर आप व्हीकल इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं इस जगह पर, पता क्यों नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। इस जगह से आप गाड़ी का एनर्जी फ्लो, मतलब कि कितना ट्रांसमिशन और कितनी पावर फ्लो हो रही है गाड़ी के अंदर इस टाइम पर, इस जगह पर एवरेज दिखा देगा, फ्यूल इकोनॉमी दिखा देगा आपको, यहाँ पर वायरलेस डॉक वगैरह दिखा देगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो एम्बिएंट लाइटिंग कंट्रोल, स्पीड लिमिट अलर्ट, ठीक है, डोर अनलॉक वगैरह, AC मोड, मतलब सारी चीज़ें हैं ना आपको डिस्प्ले के अंदर मिल जाएंगी। जिस चीज़ की शिकायत आपको मारुति से रहती थी कि मारुति के अंदर डिस्प्ले इस तरह की नहीं आती है जो फीचर लोडेड हो, बट इस टाइम पर आपको दे दी गई है, ठीक है। तो आप इसका अच्छा खासा यूज़ कर सकते हैं। और अब नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे आपको, नीचे की तरफ आपको ऑटो AC के कंट्रोल्स यहाँ पर इस जगह पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मैं ओवरऑल बताऊँ इस टाइम पर गाड़ी स्टार्ट है और आप कैबिन नॉइज़ नोटिस करेंगे 0 है, ठीक है। तो जो इंजन की साइलेंट है ना वो तो आप देख ही रहे हो कितना साइलेंट है। इस जगह आपको वायरलेस चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, आप देखेंगे इस टाइम पर चार्जिंग ऑन हो चुकी है, इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग इसके अंदर देखने को मिल जाती है। सेंटर में आपको गियर लीवर मिल जाएगा, 5-speed मैनुअल विद 1 reverse, और ये वाला कुछ इस जगह पर आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कुछ सामान रखने की जगह मिल जाएगी, यहाँ पर आपको कप होल्डर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा ये है इसकी आर्म रेस्ट, जो कि स्लाइडेबल है, ठीक है, और यूटिलिटी के हिसाब से भी यहाँ पर कुछ सामान आप रख सकते हैं। इसके अलावा अब चलते हैं इसकी ग्लव बॉक्स में। तो ग्लव बॉक्स के अंदर स्पेस ठीक ठाक दिया गया है, कोई ज़्यादा स्पेस मैसिव स्पेस इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर पेपर्स वगैरह रखे हैं। इसके ऊपर की तरफ हम आएंगे तो आपको IRVM मिल जाता है, डिमिनिशिंग IRVM मिलता है, ठीक है, ऑटो डिमिनिशिंग। इसके अलावा आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको इस साइड में हेड अप डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसके कंट्रोल्स मैंने आपको दिखाए थे इस जगह पर हैं, ठीक है। जब इस जगह पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर मैं एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ जो कि नई चीज़ है, आपको शायद किसी ने ना बताया हो, ठीक है। तो जो ये दोनों निडल है ना, ये वाली देन ये वाली, इन दोनों को एक साथ में प्रेस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर ओपन हो जाते हैं, एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों निडल्स पे मैंने पकड़ लिया, अब इनको दबाएंगे ना, हम पुश करेंगे इस तरीके से, तो आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस की लिस्ट यहाँ पर आ गई है। आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। डिस्टेंस, यूनिट, फ्यूल इकोनॉमी, लैंग्वेज, फ्यूल रीसेट, टेम्परेचर सेट, सेंसर, डोर लॉक वगैरह, मतलब ये बहुत सारे ऑप्शंस है ना मारुति MID के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। आप इसको इस वाले निडल से नीचे की तरफ कर सकते हैं, ठीक है।
गाइड मी लाइट, ऑटो ऑटो थेफ्ट, एसी, डिस्प्ले आइटम, डिस्प सेटिंग, ये एनिमेशन, एचयूडी सेटिंग, हेड अप डिस्प्ले की, ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनको आप चेकआउट कर सकते हैं, इनके लिए मैं एक स्पेशल से वीडियो भी बना दूंगा अलग से अगर आप कहेंगे तो, क्या क्या ऑप्शंस इसके अंदर मिलते हैं। तो अब इसको ज़्यादा लंबी ना करते हुए गाड़ी के बारे में बताते हैं। इस जगह पर आप देखेंगे तो आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही स्टीयरिंग आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आप अपनी अपनी ड्राइविंग कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और अब इस जगह पर आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपको इसके स्टीयरिंग व्हील पर देखने को मिल जाएंगे। इस साइड में आपको देखेंगे तो आप मल्टीमीडिया कंट्रोल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इस जगह पर भी आपको फ़ोन से रिलेटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है क्रूज़ कंट्रोल, जो कि काफ़ी ज़्यादा नीड थी लोगों को ब्रेज़ा के अंदर, तो वो दे दिया गया है, ठीक है, नए वाली ब्रेज़ा के अंदर। और इस जगह पर आप देखेंगे तो हेडलाइट्स कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। इधर आप देखेंगे तो वाइपर कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। और अब आपको दिखाता हूँ सनरूफ के कंट्रोल, जो कि बहुत ज़्यादा वेटिंग चीज़ थी मारुति के अंदर, ये पब्लिक की डिमांड थी कि आ नहीं रही है, बट इस टाइम पर आपको दे दी गई है, ठीक है। तो इस जगह से सनरूफ ओपन हो जाती है, ठीक है। तो एक मैसिव सनरूफ इसके अंदर दी गई है, यहाँ से बंदा आराम से बाहर भी निकल सकता है जैसा कि लोग करते हैं, ठीक है। अब इसी से आप वापस बंद भी कर सकते हैं इसको। और इस तरह से आप देखेंगे तो रियर से ओपन हो जाती है, इस जगह से आपको इस तरीके से बंद कर देनी है। और इसके अलावा आप इसको शेड को बंद कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर की तरफ अब आते हैं तो यहाँ पर आपको सन वाइज़र देखने को मिल जाएगा, इस वाले में वैनिटी मिरर भी आपको देखने को मिल जाएगा, को पैसेंजर वाले में। एक चीज़ और यहाँ पर आपको देखो लाइटिंग भी मिलेगी वन टच, नई चीज़ है यार, ठीक है। जो ये वाली लाइट्स हैं ये भी वन टच है, ठीक है, मैं बताना भूल गया था। सनरूफ जिसका इंतज़ार था वो दे दी गई है, तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं जिसकी शिकायत रहती थी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ग्लास होल्डर भी देखने को मिल जाएगा ऊपर की तरफ में। तो अब जल्दी से हम चलते हैं इसके इंजन की तरफ और दिखाते हैं क्या क्या आता है इसके इंजन में। एक ही ऑप्शन इस टाइम पर इसके इंजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो कि पेट्रोल का ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा इस गाड़ी की मैं अगर एवरेज की बात करूँगा तो वो आपको 15 से 16 कस्टमर क्लेम वाली मिल जाती है। तो चलिए एक बार इंजन के पास चलते हैं और वहीं पे बताते हैं क्या क्या आता है, ठीक है। अब आपको इसका बोनट ओपन करके दिखा देते हैं। तो गाइज ये है इसका 1500 सीसी का इंजन, जो कि पेट्रोल इंजन है, गैसोलीन इंजन है। इसके अलावा इस इंजन की जो फिट एंड फिनिश है वो आप देखेंगे काफ़ी अच्छी है, ठीक है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे इंसुलेशन भी काफ़ी ठीक की गई है, जिससे गाड़ी ज़्यादा हीट ना हो, इंजन की हीट बाहर ना जाए, ठीक है। इंजन साइलेंट रहता है इसके चलते, कि जो इंजन नॉइज़ है वो बाहर की तरफ नहीं आती। इस तरफ आपको ABS देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप देखें इस टाइम पर गाड़ी स्टार्ट भी है, तो कोई ज़्यादा नॉइज़ आपको महसूस नहीं हो रही होगी। मैं इसीलिए इंजन स्टार्ट करके आया हूँ कि इसके इंजन के आपको पता चले कितना साइलेंट है, ठीक है। तो 1500 सीसी का इंजन है, जो कि अच्छी खासी पावर जनरेट करता है। आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कितनी पावर वगैरह जनरेट करता है। और जो माइलेज क्लेम है कंपनी तो करती है आपका कम से कम 19 का, बट इसके अलावा कस्टमर क्लेम की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको 15-16 मिल जाती है, ठीक है, हाईवे पे भी और सिटी के अंदर भी। तो ये थी वीडियो कुछ ओवरऑल ब्रेज़ा की। तो इसके अलावा अगर आपको इसका कोई पार्ट पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको ऐसा लगता हो कुछ इम्प्रोवाइज़ की ज़रूरत है तो वो भी हमारे को कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, ठीक है। राम राम, बाय, आपको दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके अलावा एक चीज़ और दिखा देता हूँ यहाँ पर जाते जाते, मैंने कहा था ना दो दूसरी साइड रिक्वेस्ट सेंसर आता है, वो भी इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, वो रहा इस जगह पर, ठीक है। बाय गाइज़।